लोग अक्सर ऐसा उम्मीद करते हैं कि उनके देश का पीएम ऐसा हो जो समाज के बेहतरी के लिए कार्य करे, लेकिन जब एक पीएम ही खुद असामाजिक कार्य करने लगे तो फिर उस देश और समाज का क्या होगा। ऐसा ही एक देश है नॉर्थ साइप्रस, जहां के पीएम इरसान सानेर का एक मास्टरबेट करता हुआ कथित वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इरसान सानेर की शादी भी हो चुकी है और वो दो बच्चे के पिता भी हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि इरसान सानेर ने एक ऑनलाइन वीडियो में एक महिला को बिना कपड़ों में देखा और उसके बाद वो वहीं पर मास्टरबेट करने लगे। ये आपत्तिजनक वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पीएम इरसान वीडियो कॉल पर एक न्यूड लड़की के सामने मास्टरबेट करने लगे। ये लड़की लगभग 20 साल की दिखाई दे रही है। हालांकि इस वीडियो को लेकर पीएम इरसान ने दावा किया है कि यह वीडियो क्लिप कई बार एडिट की गई है जिससे उसमें उन्हें दिखाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि मुझे अपमानित करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। पीएम इरसान ने कहा है कि कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से इस फर्जी वीडियो को बनाया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह स्पष्ट है कि कोई ऐसा है जो मुझे इस प्यारे देश और पार्टी की सेवा करने से रोकना चाहता है, लेकिन उन्होंने ये राजनीतिक तरीके से नहीं बल्कि खुलेआम हमला करके मुझ पर किया है। इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से एक लंबी चौड़ी साजिश को रची गई थी। उन्होंने आगे ये भी दावा किया कि इस पूरे नापाक हरकत में टर्की के माफिया शामिल हो सकते हैं। पीएम ने आगे कहा कि मैं अपने कानूनी सलाहकारों से इस संबंध में बात कर रहा हूं। हालांकि उनके अब इस आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस वीडियो को लेकर उन पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री मास्टरबेट करने लगे, एक देश का प्रधानमंत्री जो महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करता है वो खुद ही एक न्यूड महिला को देखकर ऑनलाइन वीडियो कॉल में मास्टरबेट करने लगे, तो उस समाज के प्रति उसकी जवाबदेही क्या है, उस समाज में क्या संदेश जाता है। ये बहुत ही बड़ा सवाल है और ये सवाल अब इस प्रधानमंत्री पर खड़े हो रहे हैं और हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री जिन पर महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व होता है, एक देश का प्रधानमंत्री जिसे रोल मॉडल माना जाता है, वो प्रधानमंत्री अगर एक ऑनलाइन वीडियो में एक महिला को देखकर आपत्तिजनक कार्य करने लगे तो उस देश और समाज का क्या होगा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आकर आपकी राय को हमारे साथ आप अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने COVID-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो फिर से हम अपील करते हैं कि आप वैक्सीन की डोज लें, अपने आप को और अपने परिवार को इस खतरनाक कोरोना महामारी से सुरक्षित रखें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.